बच्चों आप सभी कैसे अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आप सभी का महेश सर के अकाउंट की दुनिया में स्वागत है। आज आपके लिए महेश सर लेकर आए हैं शेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में आज हम लोग क्लियर करेंगे कॉल इन एरर एंड कॉल इन एडवांस। क्या होता है कॉल इन एरर और क्या होता है कॉल इन एडवांस। एरर मतलब यानी अवशिष्ट याचना, यानी जब कंपनी अपने शेयर होल्डरों से पैसा मांगती है तो शेयर होल्डर फुल पेमेंट जब नहीं कर पाता, यानी मींस मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं 100 रुपए के रेट से, यानी 10,000 का शेयर खरीदा है और उसने कंपनी में अभी तक 8,000 ही दिया है, 2,000 अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जो पेमेंट नहीं कर पाता कंपनी के बार बार मांगने पर पेमेंट नहीं कर पाता है वो कहलाता है एरर। और कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर होते हैं जो देवता स्वरूप होते हैं, इतने अच्छे होते हैं जो हमारे मांगने से पहले ही क्या कर देते हैं, फुल पेमेंट कर देते हैं। जय हो ऐसे कस्टमरों की। तो ऐसे अच्छे कस्टमर भी होते हैं तो कंपनी में कुछ बुरे कस्टमर भी होते हैं जो बार बार मांगने में भी पैसा क्या करते हैं, नहीं देते हैं। इसको कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में सॉल्व और क्या है एरर एडवांस, चलिए जानते हैं इस न्यूमेरिकल से। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि एक कंपनी ने अपने मार्केट में 10,000 शेयर क्या किए इशूड। याद रखना सिर्फ इशूड शेयर से मतलब होता है और उसमें भी जितने सब्सक्राइब होते हैं। तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किया और सब्सक्राइब भी कितना हुआ 10,000 एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 10 रुपए में। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए। अब कंपनी पैसा कैसे मांग रही है, कंपनी कह रही है एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3 और आप हमें फर्स्ट कॉल में कितना दे दीजिए 5 रुपए। ठीक है, चलो सेकंड कॉल भी कर देते हैं, मजा आया। सेकंड कॉल कर देते हैं तो कंपनी फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, सेकंड कॉल में कितना मांगती है 3 रुपए। तो अब एरर एडवांस क्या, देखो मान लो एक कंपनी का शेयर होल्डर, इसका नाम ए है, ए के पास 400 शेयर है, कुल कितने शेयर है 400, और वो आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, एरर हो गया। एरर कभी भी एप्लीकेशन में नहीं होता, ये बात गांठ मान लीजिए। अलॉटमेंट से एरर आ सकता है, यानी जब कोई शेयर होल्डर कंपनी में शेयर परचेस करता है तो उस केस में उनको फुल पेमेंट करना होता है एप्लीकेशन का, वहां पे आप एरर नहीं कर सकते हो, यानी वहां पे आप कोई बकाया नहीं लगा सकते हो। तो कंपनी में ए ने क्या किया, फर्स्ट कॉल में 400 का क्या कर दिया, शेयर का एरर कर दिया। यानी कंपनी ने जब ए से पैसा मांगा तो ए कह रहा है फर्स्ट कॉल में मेरे पास पैसा नहीं है, गजब बेइज्जती है। तो ये क्या हो गया एरर, यानी जस्ट उसके सामने लिख देंगे 400 का क्या एरर। उसी तरह फिर कंपनी ने जब सेकंड कॉल का पैसा मांगा, यानी दूसरी बार फोन किया, तब भी वो कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है। ये कुछ अलग टाइप के कस्टमर होते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? होम में तो ले लिया शेयर, भोकाल में शेयर खरीद लिया कंपनी का, अगले पैसे नहीं है, कंपनी भोके जा रही है, भोके जा रही कंपनी बार बार मांग रही है और आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। वो कहावत सुने है ना, हाथी चले बाजार कुकुर भोके हजार। यानी आप तो चल रहे हो अपना काम कर रहे हो, कंपनी बार बार आपसे पैसा मांग रही है और पैसा नहीं दे रहे हो। तो कंपनी इनके लिए भी एक उपाय रखती है, कंपनी के शेयर का क्या कर लेती है फॉरफीचर, फॉरफीचर माने हरण, अपहरण कर लेती है। अपहरण करने के बाद इनसे पैसा नहीं मांगती है, वो पीछे वाला स्टाइल नहीं कि अपहरण करने के बाद पैसा मांगे, स्टाइल है बाबू भैया राजू। यहाँ क्या होता है अपहरण करने, यानी जो कंपनी में आप पहले पेमेंट कर चुके हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, उन पैसे को कंपनी क्या करती है जब्त कर लेती है और उसके बाद कहती है तुम मेरी कंपनी से भाग। कंपनी क्या करती है ऐसे शेयर होल्डर को अपनी कंपनी से भगा देती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। और इनके यानी जो इनका पेमेंट कर चुके हैं इनको क्या करती है जब्त कर लेती है, उसी को बोलते हैं फॉरफीचर। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे लगाते हैं फॉरफीचर की एंट्री। अभी हम लोग सीखते हैं क्या है एरर। तो ये एरर हो गया। और एक कस्टमर बी, बहुत अच्छा एकदम नेक आदमी, जिसने कंपनी के 500 शेयर खरीदे थे, इन्होंने क्या किया सेकेंड कहां दे दिया फर्स्ट कॉल में यानी एडवांस। कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे देवता स्वरूप लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मांगने से पहले ही क्या करते हैं पेमेंट कर देते हैं। यानी बी ने एप्लीकेशन का पैसा दिया,
अलॉटमेंट का दिया, अब फर्स्ट का दिया तो दिया, साथ ही साथ उसने सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया, कितना 500 एडवांस मिल गया, कहां पर? फर्स्ट कॉल में। क्लियर? अब इसी की क्या करनी है हम लोग को, जनरल एंट्री पास। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं एरर और एडवांस की एंट्री कहां होती है, एरर और एडवांस याद रखो ये दोनों किस में जाते हैं, बैंक वाले में। आपको पता होगा हम लोग सबकी कितनी एंट्री पास करते हैं, दो। अगर जो लोग इसका फंडामेंटल वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, जिससे आपको सारा वीडियो क्या होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबकी दो एंट्री पास होती है, एक बैंक वाली और एक कैपिटल वाली। तो प्रीमियम कैपिटल वाले में जाता है और एरर एडवांस किस में जाते हैं, बैंक वाले में। एरर कंपनी को नहीं मिला, लॉस है इसलिए डेबिट में, यानी बैंक के डेबिट में, और एडवांस पहले मिल गया इसलिए क्रेडिट में, कंपनी का क्या हो गया, फायदा। तो यहां भी कोई एक्चुअली फायदा नहीं है, उस बंदे को सेकंड कॉल में पैसा देना था, सेकंड का पैसा कहां दे दिया, फर्स्ट में दिया, यानी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा आपको पैसा नहीं दिया, वो उन्होंने अपना ही पैसा क्या दिया, एडवांस। इसलिए एडवांस की दो बार एंट्री होती है, एक बार जब वो मिलता है तो क्रेडिट में, और एक बार जहां का मिलता है वहां पर डेबिट में, यानी वो जब सेकंड का पैसा फर्स्ट में देगा तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो फर्स्ट में प्रॉफिट हो गया। पर सेकंड में क्या होगा, जब आप उससे पैसा मांगेंगे बी से, ए बी हाँ यस सेकंड कल का पैसा दो, अबे यार दे तो दिए थे फर्स्ट में, वो क्या बोलेगा, हम तो फर्स्ट में दे दिए थे अब हम नहीं देंगे। तो आप भी उस पर दबाव नहीं डालेंगे, यानी आपको सेकंड में बी का पैसा क्या होगा, नहीं मिलेगा, तो उतना पैसा आपको अपने अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, कम करके दिखाना होगा कि बी ने मुझे पैसा पहले दे दिया था। तो उस केस में कंपनी को वहां पर पैसे की कमी होती है तो उसको लॉस मानते हैं, एक्चुअली लॉस है नहीं मानते, इसलिए उसको कहां शो करते हैं, डेबिट में, यानी एडवांस की एंट्री एक बार क्रेडिट में, फिर एक बार डेबिट में, और एरर की एंट्री एक ही बार होती है, जहां जहां का पैसा नहीं मिल रहा वहां पर कहां दिखाएंगे, डेबिट में। चलिए करते हैं एंट्री को हम लोग सॉल्व। सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, एप्लीकेशन की। देखो एप्लीकेशन की सबसे पहले बैंक वाली एंट्री, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे मेंशन है कौन सा शेयर है, ये इक्विटी, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो हम शॉर्टकट लिखते हैं पर आप एग्जाम में क्या लिखना, सबका फुल मीनिंग, जिससे आपको नंबर क्या हो पूरा मिले। नरेशन क्या होगा, बींग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो चलो भैया हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा क्या हो गया, रिसीव, कितना, 10,000 शेयर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एप्लीकेशन के डेबिट में 20,000, जनरल एंट्री का कॉलम बना के लगाइएगा 20,000। इसके बाद इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बींग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो दो हो गए किसकी एंट्री, एप्लीकेशन की। कितना पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जितना पैसा हम लोगों ने पाया उतना पैसा हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी एप्लीकेशन की दो एंट्री होगी। अब किसकी एंट्री होगी, अलॉटमेंट की। बट एप्लीकेशन में हमेशा पहले बैंक की एंट्री होती है फिर कैपिटल की, पर अलॉटमेंट से उल्टा हो जाता है, यानी उल्टी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टी। तो वो उल्टी नहीं करना है आपको, बस एंट्री को क्या करना है, उलट देना है, यानी किस एंट्री की क्या हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी। पहले कौन सी एंट्री होगी, कैपिटल वाली। तो इक्विटी से सेम लिख दीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बींग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू मतलब बाकी। देखो एंट्री सेम होता, नरेशन चेंज हो जाता, क्यों, यहां नरेशन ट्रांसफर, क्योंकि इसका पैसा मिल चुका है, अभी अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं है और ये कंफर्म नहीं है कि मुझे पूरा पैसा मिलेगा ही। कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, फफूंदी टाइप के क्या होते हैं, कस्टमर जो साले ले तो लेते हैं शेयर पर समय से पैसा क्या करते हैं, नहीं देते हैं, बकवास कस्टमर, ठीक है। तो अब तो इसीलिए कंपनी क्या करता है, पहले जब कैपिटल में जब मिल जाता है पैसा तो ट्रांसफर करता है, और जिसकी पहले कैपिटल की एंट्री करता है वहां क्या लिखता है, ड्यू, यानी बाकी है। कितना मिलना बाकी है, तो 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो अलाटमेंट में 30,000 मिलना बाकी है, डेबिट में 30,000 और क्रेडिट में 30,000। तो अलाटमेंट में के सामने देखिए कुछ नहीं है, तो इसका पैसा आराम से क्या होगा, मिल जाएगा। अब बैंक पहली वाली एंट्री क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, इक्विटी शेयर अलाटमेंट अकाउंट, यहाँ अप्लीकेशन यहाँ क्या हो जाएगा, अलाटमेंट। बस आपको बच्चा लोग ये दो एंट्री याद करना है, ये दो एंट्री याद कर लिए, इसी को फिर अपने कॉपी में क्या करते जाइए, नकल मारते जाएंगे। यानी आप अपनी ही एंट्री से अपने कॉपी में नकल मारेंगे और टीचर आपका जान भी नहीं पाएगा। यानी आप नकल मार के एग्जाम भी दे दिए और टीचर क्या है, जान भी नहीं पाया। ठीक है, ये अच्छा है ना, तो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है, रिसीव। तो सेम नकल मान लिया, आप कहेंगे महेश सर नकल मारना सिखा रहे हैं। तो महेश सर नकल मारना सिखा रहे पर अकल लगा के, यानी अकल लगा के नकल मारिए, कोई जान भी ना पाया, आपने पूरा क्या किया, नकल मार के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये नकल अच्छा है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फर्स्ट काल में। देखो फर्स्ट काल में एरर भी है और एडवांस भी है। तो मैंने बोला कि एरर एडवांस की एंट्री कहाँ होती है, बैंक में, पर हमको पहली एंट्री किसकी करनी है, कैपिटल की। तो कैपिटल में ना एरर जाता है ना एडवांस, तो आप निश्चिंत हैं कैपिटल की एकदम सेम जैसे होती है वैसे एंट्री करेंगे। शेयर में ही सबसे अच्छा होता है कि जो एंट्री जिस एंट्री में जाती है, यानी जो भी हेड, जैसे मान लीजिए एरर है, एडवांस है, प्रीमियम, ये जो हेड है जिस एंट्री में जाएगा, अगर कैपिटल में जाएगा तो बैंक को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बैंक में जाएगा तो कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इनका सबसे अच्छा काम है, एकदम सज्जन पुरुष। यानी ये भाई साहब बैंक में जाएंगे तो कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी। अभी यहां भी देखिए ड्यू इसीलिए लिखा जा रहा है कि उनको विश्वास नहीं होता है कि सभी लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे। फिलहाल वो ये सोच रहे हैं फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा मिलेगा, तो 10 × 20,000। यानी कंपनी का सोच ये है कि मुझे 10 × यानी 2×20,000 पे क्या होगा, हमको फर्स्ट कॉल में मिलेगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बट जो सोचा होता है वो अक्सर होता है, ये जरूरी नहीं है। इन कंपनी के साथ क्या हो गया, धोखा। कंपनी इतना सोची है, खुश है, 20,000 मिलेगा, 20,000 पैसा ही पैसा होगा, बट मिस्टर ए ने दे दिया कंपनी को धोखा। ए ने क्या दे दिया कंपनी को धोखा, एक कर रहा पैसे नहीं, ए ना ए था 400 का कर रहा पैसे नहीं, पर बी कहा भाई नो भाई टेंशन मत लो, ए ने कहा 400 नहीं है तो तुम मुझसे 500 लो, मैं हूं ना। तो बी ने क्या दिया एडवांस और ए ने क्या दिया नहीं, तो ए का एरर लिखेंगे और बी का एडवांस लिखेंगे। तो एरर कहां जाएगा, देखो डेबिट में लिखेंगे कॉल इन एरर, ए वाले का, जिसने पैसा आपको क्या किया नहीं दिया। फिर लिखे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये तो हो गया इनका बैंक टू कैपिटल, यानी ऊपर बैंकों का नीचे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में से फर्स्ट कॉल को क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो अब एरर था, एरर कहां आ गया, देखो एंट्री पास करने का सबसे आसान तरीका, पहले जो है इसको फिलहाल हम मिलता के आपको समझा दे रहे हैं, पहले जो एंट्री होती है उसको नॉर्मल लिख लो, यानी बैंक एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो इसमें क्या क्या मेंशन किया है, इसमें एरर है तो आप यहां क्या लिख दीजिए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, यानी आप पहले अपनी एंट्री को नॉर्मल लिख दो, उसके बाद उसमें जो जो चीजें बढ़ती हैं उस उन चीजों यानी उन हेडों को उनके स्थान पर क्या कीजिए, चुपचाप से बैठा दीजिए, क्या कीजिए, चुपचाप से बैठा दीजिए। यानी कॉल इन एरर डेबिट में चले गए और यहाँ पे एक भाई साहब ने क्या दिया था हम लोग को एडवांस, तो मैंने क्या बताया एडवांस बैंक जब मिलता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट में, फिलहाल अभी हमको मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, नहीं इक्विटी नहीं लिखते हैं, एडवांस और एरर में हमेशा क्या यूज करिएगा, कॉल, कॉल इन एडवांस अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, किसके साथ रिसीव, तो लिखिए विथ एरर एंड एडवांस, यानी मुझे यहां पर क्या हुआ है, दोनों मिला, एरर भी एडवांस भी। अब सबसे चैलेंजिंग होता है कि पैसा कैसे लिखा जाए। देखो पैसा लिखने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पैसा लिखने का, क्योंकि एंट्री अब यहां बहुत ज्यादा क्या हो गई है,
जादेरम खिचड़ी हो गया। तो खिचड़ी में कैसे चावल दाल तरकारी सबको अलग कैसे किया जाता है, तो देखिए सिंपल सा तरीका। यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट काल, तो देखिए ऊपर भी लिखा है फर्स्ट काल फर्स्ट काल फर्स्ट काल, कामन कामन सेम सेम मिल गए, हरियाली के गिर गए, गिरा दे बाबू यहाँ 20,000, यानी कामन कामन का क्या हो गया सेम। अब बचे इतने लोग, तो अब देखो तुमने क्रेडिट टच किया तो क्रेडिट को फाइनल कर दो, यानी हम अगर क्रेडिट को छू रहे हैं तो सबसे पहले किसको फाइनल करेंगे, क्रेडिट को। तो अब बचा कौन एडवांस, तो देखो एडवांस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपको फर्स्ट काल में 500 शेयर का एडवांस मिला है, क्या मिला है एडवांस, तो एडवांस किसका मिला है आपको सेकंड काल का। तो याद रखिएगा एडवांस की खूबी क्या होती है, एडवांस जहां मिलता है यानी कहां मिला है फर्स्ट काल में, उस अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं होता है, जिसका मिलता है उससे मल्टीप्लाई होता है। यानी फर्स्ट काल में किसका एडवांस मिला है सेकंड का, तो मल्टीप्लाई किससे होगा सेकंड काल के अमाउंट से, यानी सेकंड काल का अमाउंट और एडवांस का शेयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे 500 × 1500, यानी 500 × 1500 हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट काल में बी ने हमको कितना रुपया दिया है, यानी बी हमको अमाउंट कितना पे कर रहा है 1500 रुपये, क्या कर रहा है एडवांस दे रहा है। तो ये हो गया एडवांस। अब क्रेडिट कंप्लीट, आपको पता होगा डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होता है सेम होता है, तो यानी अगर क्रेडिट में 21,500 तो डेबिट में भी कितना होगा 21,500, कैसे आएगा। अब देखो एरर आ गया, पहले एरर का भर दो, यानी पहले उस पर गुस्सा निकालो जिसने पैसा आपको नहीं दिया था। एरर का एकदम सीधा सा फंडा चलता है, एरर जस्ट सामने से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 400 आपको जो शेयर का पैसा नहीं मिला है किसका फर्स्ट काल का, तो फर्स्ट में क्या कर दीजिए 2, यानी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 2 रुपए, 2 से मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, यानी आपको फर्स्ट काल में 800 का पेमेंट नहीं हुआ और 1500 का एडवांस हुआ, तो टोटल नीचे कितना आ रहा है 21,500, और आप पहले से 800 लिख चुके हो तो माइनस कर दो 20,700, यानी कितना बैलेंस निकल रहा है 20,700, वो कहाँ लिख दीजिए आप बैंक में, यानी फर्स्ट काल में आपको 20,700 रुपया क्या हो रहा है मिल रहा है। आइए अब किसकी एंट्री करते हैं सेकंड काल की, फिर किसकी, पहले कैपिटल इक्विटी शेयर, सेकंड के बाद कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, आप इसको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी बोल सकते हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या होगा बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। जहां भी आप लोग को प्रॉब्लम हो कोई भी चीज समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, सर मुझे ये पॉइंट क्या हुआ नहीं समझ में आया, तो हम आपको जरूर एकदम क्या करेंगे क्लियर करेंगे। और हमारे वीडियो पे व्हाट्सअप नंबर भी होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाकर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो भी आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, एरर और एडवांस कहां जाता है बैंक के एंट्री में ना कि कैपिटल की एंट्री में। तो अभी हमने पहले एंट्री किसकी की कैपिटल की, तो कैपिटल की एंट्री एकदम क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पर ना एरर आएगा ना एडवांस आएगा। तो कितना है सेकंड काल 3 × 100 में, यानी 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 डेबिट में और 30,000 कहाँ चला गया क्रेडिट में। अब इसकी किसकी एंट्री होगी बैंक की, तो देखिए बैंक की एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया इसका प्रॉपर एंट्री बैंक का, जो होता है वही मैंने एंट्री कर दिया। अब इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, आप पहले उसको लिख लो। देखो सेकंड में ही एरर है कितने का 400 का, तो वो एरर पहले ट्रांसफर करो, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट, ये हो गया। अब जरा ध्यान दो एडवांस वाले पे आ जाओ, बी ने आपको सेकंड का पैसा कहां दे दिया था फर्स्ट में, तो क्या बी आपको सेकंड में फिर अमाउंट देगा नहीं देगा, तो बी जितना पैसा नहीं देगा उतना पैसा कम आएगा, यानी बैलेंस कम हो जाएगा किसका सेकंड कॉल का। तो कंपनी में अगर आप उसको शो नहीं करोगे कि ये पैसा कहां गया तो कंपनी का बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा, तो कंपनी उसको मेंशन करती है, यानी जब यहां पे रिसीव की तो दिखा दी कि मुझे प्रॉफिट हो गया क्रेडिट में, तो फिर कंपनी यहां डेबिट में दिखाएगी, यानी कंपनी में कमी पड़ रहा है, कमी का मतलब लॉस होता है, डेबिट में क्या लिखा जाएगा कॉल इन एडवांस। यस एरर की एंट्री एक बार होती है, यानी जिसके सामने बस उन्हीं पर होगा और कहीं नहीं होगा, फिर सेकेंड में था तो सेकेंड में आ गया, पर
एडवांस की खूबी क्या है, जहां मिलता है वहां क्रेडिट में और जिसका मिलता है वहां पर डेबिट में, सेम एंट्री, ठीक है। क्योंकि कंपनी को यहां पर क्या हो रहा है, 1500 की कमी, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो रहा है, रिसीव किसके साथ, विथ एरर एंड एडवांस। हम लोग को पैसा किसके साथ मिल रहा है, एरर और एडवांस। तो फिर हम लोग के लिए है चैलेंजिंग है कि सबसे पहले अमाउंट कैसे भरे। देखो अमाउंट भरना बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा। फिर देखिए सेकंड यहाँ कॉमन मिल गया, तो कॉमन का पैसा सेम आएगा 30,000। अब क्रेडिट में अकेला सिर्फ कौन है, सेकंड कॉल है, तो क्रेडिट में कितना चला गया, 30,000। अब अगर क्रेडिट में 30,000 है तो पूरा डेबिट में जितनी भी एंट्री है सबका अमाउंट जोड़कर कितना आना चाहिए, 30,000। देखो 30 कैसे आएगा, एडवांस आपको बी ने कितना अमाउंट एडवांस दिया था, 1500, तो पहले 1500 लिख दो क्योंकि बी आपको 1500 नहीं देगा। अब एरर कितना है, 4 × 3 = 12, यानी 1200 क्या हो गया आपका, एरर हो गया। तो कुल 2700, यानी आपको 30,000 रुपए में 2700 का घाटा हो गया, 2700 रुपया आपको सेकंड काल में नहीं मिलेगा। तो आपको मिला कितना सेकंड काल में, 27,300। ओके बच्चा लोग, यही है एरर और एडवांस। अगर आपको पूरा क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्लियर है सर। और जिन लोगों ने सिर्फ ये वीडियो देखा है तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, तो आप जरूर जाके इसके पिछला 3 वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें, उन दोस्तों तक भेजें जो कोचिंग पढ़ने का, जिनके पास फीस नहीं है और जो घर बैठे क्या हो सके इसको एकदम क्लियर पढ़ सके, क्योंकि इंटर और बीकॉम 3 का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ये शेयर। ओके बच्चा लोग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।